जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ग्राफिक कार्ड का यूज़ क्या होता है और ग्राफिक कार्ड को यूज़ क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्राफिक कार्ड होता है ये बेसिकली किसी भी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ये जो ग्राफिक कार्ड होता है इसका मुख्य काम ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसकी डिस्प्ले पर जो भी आप देख पाते हैं, फिर चाहे वो कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, कोई ग्राफिक्स हो, जो भी आप अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले पर देखते हैं वे सारा का सारा जो कॉन्टेंट होता है उसको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के जरिए आपकी डिस्प्ले तक पहुँचाया जाता है एक आउटपुट के तौर पर। ग्राफिक कार्ड जो कंपोनेंट होता है, जो हार्डवेयर होता है, वो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल होता है, अटैच होता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कंप्यूटर का या लैपटॉप का जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस या उतनी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले पर आपको कंटेंट वहां पर देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो ग्राफिक कार्ड है इसको सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप्स में यूज किया जाता है, इस ग्राफिक कार्ड को मोबाइल फोन्स के अंदर भी यूज किया जाता है, जिसको हम जीपीयू के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ये जो ग्राफिक कार्ड होता है ये अपना एक अलग सिस्टम होता है इसका, इसके अंदर अपना इसका रैम होता है, स्टोरेज होता है, इसका अपना प्रोसेसर होता है। तो सारे कामों को जो फंक्शनिंग है इसकी करने के लिए अपना इसका एक पूरा सिस्टम होता है। अब दोस्तों हमारे जो ग्राफिक कार्ड होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। ये जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसी का एक हिस्सा यहां पर ग्राफिक कार्ड की तरह यूज किया जाता है, जीपीयू की तरह यहां पर उसको यूज किया जाता है प्रोसेसर के एक हिस्से को, और उसी में आपके सारी फंक्शनिंग इसके जरिए की जाती है। तो यानी कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है उसकी अपनी ना तो स्टोरेज होती है, ना रैम होती है, ना प्रोसेसर होता है। ये जितने भी चीजें यूज करता है वो सारा का सारा प्रोसेसर, जो मेन प्रोसेसर होता है उससे यूज में लेता है। दूसरा होता है हमारा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, जो बेसिकली एक कंप्लीटली सेपरेट हार्डवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए, जिसके पास अपना खुद का प्रोसेसर होता है, रैम होती है, उसकी खुद की अपनी स्टोरेज होती है, और उसी के जरिए वो एक अच्छी क्वालिटी की जो ग्राफिक्स हैं उनको यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर या पीसी के सिस्टम से मॉनिटर तक पहुँचा पाता है और एक अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर आउटपुट दे पाता है। तो दोस्तों यह है छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि यह ग्राफिक कार्ड क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। दोस्तों और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।